नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ACL इंजरीज के बारे में। तो ACL क्या है? ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को बोलते हैं, जो कि हमारे घुटने के अंदर एक लिगामेंट होता है जो फीमर बोन को टिबिया बोन से कनेक्ट करता है। अब इस लिगामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? ये लिगामेंट आपके नी को इंटरनल स्टेबिलिटी देता है, सो दैट आपका जो टिबिया है वाइल यू आर पिवटिंग और वाइल यू आर गोइंग अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स, आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, तो ये इसको आगे जाने से रोकता है। तो ऐसे में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज़ में ACL का बहुत ज़्यादा रोल है। अब ये इंजर कैसे होता है, इसको चोट कैसे लगती है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ट्विस्टिंग इंजरीज के वजह से इसको चोट लगती है, जैसे कि कभी किसी का घुटना मुड़ गया, सीढ़ी से गिरे और घुटना ट्विस्ट हो गया, स्कूटी से गिरे और घुटना ट्विस्ट हो गया, या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे कि फुटबॉल में बहुत कॉमन होता है कि घुटना ट्विस्ट हो जाता है और ACL टूट जाता है। उस समय पेशेंट को एक पॉप करके आवाज आती है और इमीडिएटली नी में सूजन आ जाती है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जब एकदम से चोट लगती है तो सूजन आती है और खूब दर्द होती है। ग्रेजुअली जब दर्द और सूजन कम होती है तो घुटना अनस्टेबल फील होने लगता है, आपको अपने घुटने पे वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता सीढ़ी चढ़ने या सीढ़ी उतरने में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं? तो सबसे पहले तो जब भी ACL इंजरी जैसा कुछ पिक्चर होता है तो आपके डॉक्टर सबसे पहले MRI सजेस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक MRI कराते हैं नी में। जब नी की MRI कराते हैं तो नी की MRI में अगर वो ACL टीयर दिखाता है तो ACL टीयर के भी कुछ प्रकार होती है। पार्शियल ACL टीयर हो सकता है, नियर टोटल ACL टीयर हो सकता है, या कंप्लीट टीयर हो सकता है। अब पार्शियल टीयर में कभी कभी तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, बट कभी कभी बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है पार्शियल टीयर में या नहीं? अगर तो आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि PCL की बकलिंग भी हो रही है तो दैट इज अ केस कि इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है। बट समटाइम्स PCL की बकलिंग नहीं होती तो पार्शियल टीयर्स भी आपको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने को दे सकते हैं। उसमें केवल पेन मैनेजमेंट और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करनी होती है, या फिर कुछ लोग PRP भी करते हैं। PRP करने से क्या है कि उसका हीलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। जब हीलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है ACL टीयर का, तो उससे आपका पार्शियल टीयर जल्दी से नॉर्मल हील हो जाएगा। अब बात करते हैं नियर टोटल या कंप्लीट टीयर की। अगर किसी को नियर टोटल या कंप्लीट टीयर है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फ्रैंक इंस्टेबिलिटी आ रही है, जैसे कि एंटीरियर ड्रॉयल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, पिवट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, जब ये सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तो उन केसेस में ACL रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, अनिवार्य है।